आज हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। 2.4 एक्सरसाइज 2.4 में द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखेंगे। तो द्विघात द्विघात बहुपद के गुणनखंड, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1, 12x² - 7x + 1, इसके गुणनखंड अपन करेंगे। इसमें अपने को ऐसे दो गुणनखंड, दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी हैं जिनको गुणा करने पर, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करने पर जो आना चाहिए वो। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12x² और 1 को गुणा करने पर, अर्थात 12x² और ये चिन्ह, यहाँ जो चिन्ह है ये चिन्ह अगर प्लस का है तो योग करने पर, और माइनस का हो तो घटाने पर, तो योग करने पर 7x आना चाहिए। तो ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी हैं, जैसे 12 किस किस को गुणा करने पे आता है 12x², जैसे 12x × x, 6x × 2x, 4x × 3x, इन सबको गुणा करने पर 12x² आ रहा है, लेकिन योग करने पर 7x आना चाहिए। तो इसमें से अपन ये लेंगे हम, तो 7x की जगह क्या लिखना होगा आपको, ब्रैकेट में 4x + 3x लिखना होगा, बस और कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ 7x की जगह ब्रैकेट में 4x + 3x लिखना होगा, अर्थात 12x² - केवल ब्रैकेट में 7x की जगह, केवल 7x की जगह ब्रैकेट में लिखना है 4x + 3x, ब्रैकेट 1 + 1, 12x² - 4x, ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस के 3x + 1। अब दो दो संख्या में, चार संख्या हो गई, दो दो पदों में से कॉमन निकालेंगे। तो शुरुआत के जो दो पद है 12x² - 4x, इसमें से कॉमन निकल रहा 4x, 4x कॉमन निकाला तो 12x² में 4x का भाग दिया तो इसमें आया 3x, माइनस 4x में 4x से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा 1, माइनस बाद वाले दोनों पदों में भी कॉमन निकालेंगे, इसमें कोई कॉमन नहीं निकली संख्या, तो जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं निकल रही उसमें 1 कॉमन होता है, इसमें 1 कॉमन निकाल लिया, 1 से भाग करेंगे तो 3x, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस करना होगा, 1 का भाग 1 में 1 ये। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 3x - 1, यहाँ भी 3x - 1, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, संख्याएं भी सेम हो, चिन्ह भी सेम हो, बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों सेम आ गए तो 3x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया 4x - 1, तो ये इसके 12x² - 7x + 1 के गुणनखंड हो गए 3x - 1 और 4x - 1। इसी प्रकार एक सेकंड सवाल है इसका, देखते हैं 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3, इसमें भी वही पहले की तरह ही गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर 2x² और 3 को गुणा करेंगे अर्थात 6x² होना चाहिए, और यहाँ चिन्ह प्लस का आ गया इसका मतलब योग करने पर, या माइनस होता तो घटाने पर होता, योग करने पर क्या 7x। देखिए 6x² ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 6x² होना चाहिए, अर्थात 6x × x, 3x × 2x।
अब इनको जोड़ने पर 6 और 1 7 एक्स आ गया, इनको जोड़ने पर 3 और 2 5 एक्स, जबकि अपने को लेना है 7 एक्स, तो ये वाली संख्या लेनी है। तो 7 एक्स की जगह ब्रैकेट में लिखना होगा हमें 6 एक्स प्लस का 1 एक्स अर्थात एक्स लिखना होगा, और एज इट 2 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 6 एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट बंद प्लस 3, ब्रैकेट हटाएंगे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 6 एक्स प्लस एक्स प्लस 3, पहले की तरह दो दो पदों में कॉमन निकाल लेंगे, शुरुआत के दो पदों में कॉमन, बाद वाले दो पदों में भी कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कॉमन निकल कॉमन आ रहा है 2 एक्स, 2 एक्स से 2 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आया इसमें एक्स, प्लस 2 एक्स से 6 एक्स को डिवाइड करेंगे भाग देंगे इसका आएगा 3, प्लस अब बाद वाले दो पदों में भी कॉमन निकालेंगे, जब कोई कॉमन संख्या नहीं निकलती तो एक कॉमन निकल रहा है और x प्लस 3, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x प्लस 3 और 2x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के जो दो गुणनखंड हुए हैं वो x प्लस 3 और 2x प्लस 1 है। इसी प्रकार अब एक माइनस वाला और लेंगे, उसके भी गुणनखंड करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर इसका 4th, देखिए 4th क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 गुणा करने पर, पहले की तरह गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 3x स्क्वायर को 4x से गुणा करने पर 3 चौक 12x स्क्वायर, और ये यहाँ जो चिन्ह आया है माइनस, इस माइनस होने का मतलब है बाकी करने पर कितना आना चाहिए 1x, ओनली x, माइनस करने पर घटाने पे क्या आना है 1x, तो देखिए 12x इंटू एक्स, 6x इंटू 2x, 3x, 4x इंटू 3x, 4x इंटू 3x, इसमें कौन सा लेना होगा 4x और 3x लेना होगा, क्योंकि 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस मतलब 1x बच जाएगा, तो x की जगह अपने को हमें क्या लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 3x, ऐसे ब्रैकेट्स के ब्रैकेट में ही लिखना होगा, चिन्ह ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। 3x स्क्वायर ब्रैकेट मतलब माइनस, अब ब्रैकेट में लिखना है अपने को, तो x की जगह हमें 4x माइनस 3x लिखना होगा, 4x माइनस 3x, ब्रैकेट वापस बंद और माइनस के 4, ब्रैकेट हटाएंगे 3x स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह आ गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस 3x और माइनस 4, पहले की तरह दो दो पदों में कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन निकल रहा है x, अंदर क्या बचेगा x का भाग देंगे 3x स्क्वायर में तो 3x, फिर x का भाग देंगे 4x में तो माइनस के 4, प्लस इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं निकल रही है तो 1, 1 से डिवाइड करेंगे 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम है तो 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, इस प्रकार 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के जो गुणनखंड हुए वो 3x माइनस 4 और x माइनस 1, ठीक, ये इस तरह से अपन द्विघात बहुपदों के गुणनखंड कर सकते हैं।